Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students and dear viewers. Today we are going to start the third tense, that is the second last tense of future tense, and the name of the tense is future perfect tense. Students, before starting this particular tense, we should clearly know that what is future perfect tense. Zamana hai mustaqbil hai, future ka zamana hai, aur perfect tense hai. और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आप इस वक्त स्टडी करने के लिए जा रहे हैं. ये बात हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि भले वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, भले वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो या भले वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हमेशा हमेशा परफेक्ट अगर खाली आ रहा होगा किसी टेंस में तो हमेशा हमेशा आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है. याद करें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई थी, जाहिर सी बात है उसमें हेल्पिंग वर्ब कुछ और आपने यूज़ कर रहे थे. जब आप पास्ट परफेक्ट टेंस में गए थे तो वहाँ पे भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करी थी, हेल्पिंग वर्ब बदल गया था यानी कि हेड आ गया था. और जब आप बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तो यहाँ पर भी जो है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होगी लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा. स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर टेंस के अंदर उर्दू की पहचान क्या होगी उसकी भी हम बात करेंगे. पहचान से मुराद ये है कि जब आप जुमलों को बनाएंगे और उनका ट्रांसलेशन करेंगे तो कौन कौन से अल्फाज यूज़ होंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जुमलों के अंदर, और उन्हीं पहचान से आप पहचान लेंगे कि ये दरअसल जुमला जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है. स्टूडेंट, सबसे पहले हम पहचान की बात कर लेते हैं और पहचान ये हो जाएगा इसके अंदर चुका होगा, चुकी होगी या फिर चुके होंगे. चुका का क्या मतलब होता है? परफेक्ट है. भले चुकी हो, भले चुका हो, भले चुके हो, ये वर्ड शो करेगा कि परफेक्ट क्या कहानी है, और होगा, होगी या होंगे इससे पता चलेगा कि ये फ्यूचर की बात है, तो फ्यूचर परफेक्ट का जुमला बन जाएगा. स्टूडेंट, इसके बाद आ रहा है इसके बाद फार्मूला. हर टेंस का एक एक फार्मूला होता है. फार्मूला आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए ताकि जुमला बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो सके. सबसे पहले आएगा इसके अंदर सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद स्टूडेंट्स ये आएगा या तो विल हैव का आप इस्तेमाल करेंगे या फिर आप जो है वो शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे. दोनों में से जाहिर सी बात है एक वक्त में कोई एक ही चीज़ का इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद वर्ब आएगा, और वर्ब की हमेशा हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी. थर्ड फॉर्म क्यों आएगी स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पर जो फार्मूला आप यूज़ करने जा रहे हैं वो परफेक्ट का है, और परफेक्ट भले प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है. और आखिर में क्या लग जाएगा? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर हम बात करेंगे तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे. सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे? आई है, वी है, यू है, ही, शी, इट, दे, नेम और नेम्स, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? सब्जेक्ट हो जाएंगे. और सब्जेक्ट के पास या तो विल हैव लगाना पड़ेगा या फिर शैल हैव लगाना पड़ेगा. याद करें, मैंने आपको बताया था जब आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहा था कि विल किसके साथ लगता है और शैल किसके साथ लगता है. सेम जिसके साथ विल लगता था उसी के साथ फ्यूचर कंटिन्यूअस में विल भी लगा. फ्यूचर इंडेफिनिट में जिनके साथ शैल लग रहा था फ्यूचर कंटिन्यूअस में उन्हीं के साथ शैल भी लगा. सेम वही कहानी है कि जिनके साथ विल लगता था या विल भी लगता था सेम उन्हीं के साथ अब आप विल हैव लगाएंगे, और जिनके साथ शैल लगता था या शैल भी लगता था उनके साथ आप शैल हैव लगाएंगे. फ़र्क सिर्फ क्या है कि अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है तो विल या शैल लगता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो विल भी या शैल भी लगता है, और अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस है तो विल हैव या फिर शैल हैव लगेगा. तो आई और बी के साथ क्या स्टूडेंट्स लगेगा? शैल हैव. तो शैल तो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, हैव लगा देते हैं. इसी तरीके से अगर आप बात करेंगे यू है, दे है, ही है, शी है, इट है, सिंगुलर नेम है या फिर प्लूरल नेम्स हैं तो इनके साथ क्या लगा जाएगा? विल हैव. आपको ये बात अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए कि विल हैव किसके साथ लगाएंगे और शैल हैव किसके साथ लगाएंगे. देखें तो दोनों चीज़ें जुमलों में इस्तेमाल हो रही होगी और एक वक्त में कोई एक ही चीज़ इस्तेमाल होगी. डिपेंड किस बात पे करेगा कि आप सब्जेक्ट कौन सा यूज़ कर रहे हैं. अगर सब्जेक्ट ये दोनों होंगे तो शैल हैव लगेगा, और अगर सब्जेक्ट ये सारे होंगे या इनमें से कोई सा भी होगा तो फिर आप विल हैव लगाएंगे. स्टूडेंट्स, कोई सा भी जुमला बनाते हैं और उस जुमले के अंदर विल हैव या शैल हैव का इस्तेमाल करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे. जुमले को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं उसके बारे में भी इंशाल्लाह अभी हम डिस्कस करते हैं. कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले सकते हैं. सब्जेक्ट फिलहाल हम ले लेते हैं, यहाँ पर वी ले लेते हैं, ताकि एक जुमला हम शैल हैव के साथ बना देंगे, एक जुमला आपके पास विल हैव के साथ बना देंगे. वी हम सब्जेक्ट ले लेते हैं. वी सब्जेक्ट ले लिया. सब्जेक्ट के बाद या तो विल हैव लगेगा या फिर शैल हैव लगेगा. फिलहाल आपको पता है जब आपने वी ले लिया तो वी के साथ क्या लगाएंगे? शैल हैव लगाएंगे. वी शैल हैव.
और वी शैल हैव के बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब लगाना है। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड फॉर्म लगानी है। हम यहाँ पे जो वर्ब ले रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ले रहे हैं फाइंड, जो वर्ड होता है या वर्ब होता है, वर्ड भी है ऐसी बात है और वर्ब भी है। फाइंड जो वर्ब है उसकी हम थर्ड फॉर्म ले रहे हैं क्योंकि हमें थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है, वर्ब कोई और सा भी ले सकते हैं आप। तो वी शैल हैव फाइंड है, सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड, थर्ड फॉर्म भी होती है फाउंड, फाइंड फाउंड फाउंड। वी शैल हैव फाउंड, क्या चीज़ आप ढूंढ चुके होंगे या क्या चीज़ हम ढूंढ चुके होंगे। वी शैल हैव फाउंड अ बुक या अ डायरी या कॉपी या रजिस्टर, कोई भी चीज़ जो आप ढूंढ रहे हैं। वी शैल हैव फाउंड अ बुक, वी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, विल हैव या शैल हैव में से आपने शैल हैव लगाया, उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई, फाउंड थर्ड फॉर्म है, उसके बाद आपने आखिर में ऑब्जेक्ट यूज़ किया जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। यानी कि आप बताना है चाह रहे हैं ज़माना है मुस्तकबिल है, आने वाला ज़माना, और आने वाले ज़माने में जो कि जाहिर सी बात है फ्यूचर में आएगा, उसके हवाले से आप कोई काम फ्यूचर में कर चुके होंगे। ये जो कर चुके होंगे ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि ज़माना है मुस्तकबिल है, और ज़माना है मुस्तकबिल में रहते हुए वो काम आप फ्यूचर में कर चुके होंगे, कम्प्लीट कर चुके होंगे, लेकिन कब, आने वाले ज़माने में। तो मुझे बताइए वी शैल हैव फाउंड अ बुक, ये जुमला जो हो जाएगा वो कहलाएगा एफर्मेटिव। एफर्मेटिव का क्या मतलब हो जाएगा स्टूडेंट्स, इकरारिया जुमला, यानी कि आप इकरार कर रहे हैं कि आप ज़माने मुस्तकबिल में ये काम कर चुके होंगे। इसका अब हम करते हैं ट्रांसलेशन। हम एक किताब ढूंढ चुके होंगे, बताइए जब हम कहते हैं हम एक किताब ढूंढ चुके होंगे तो क्या ये इकरारिया जुमला है, जवाब है जी हाँ। चुके होंगे से पता चल रहा है, ये देखें चुके होंगे मौजूद है कि ये परफेक्ट का जुमला है, और होंगे का क्या मतलब होता है फ्यूचर, और चुके का क्या मतलब होता है परफेक्ट है। तो हम एक किताब ढूंढ चुके होंगे, ये क्या हो गया आपके पास इकरारिया जुमला। अब हमको बनाना है जुमले को नेगेटिव, बोर्ड पे लिखा हुआ भी है, तो मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव। जुमले को अगर आपको नेगेटिव बनाना है, इनकारिया बनाना है, तो क्या करेंगे, शैल के फौरी बाद, या अगर विल का इस्तेमाल होगा तो विल के फौरी बाद आपको लगाना पड़ेगा नॉट। तो जुमला क्या बन जाएगा, यूज़ नॉट, नॉट को इस्तेमाल करेंगे आफ्टर विल या फिर शैल। अगर विल है तो विल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे, और अगर शैल है तो शैल के फौरन बाद नॉट लगाएंगे। किस लिए, टू मेक द सेंटेंसेस नेगेटिव, यानी कि जुमलों को नेगेटिव बनाने के लिए। तो इसी जुमले को अगर हमें नेगेटिव बनाना है स्टूडेंट, तो हम क्या कर लेंगे, वी शैल नॉट हैव फाउंड अ बुक। बताएं स्टूडेंट ये जुमला कैसा बन गया, ये जुमला हो गया नेगेटिव, इनकारिया जुमला बन गया, यानी कि आप इनकार कर रहे हैं। बताएं वी शैल हैव, वी शैल नॉट हैव फाउंड अ बुक का मतलब होता है आप इनकार कर रहे हैं। ऊपर वाले जुमले के अंदर नहीं का इजाफा कर दीजिए, जुमला नेगेटिव बन जाएगा, इनकारिया बन जाएगा। हम क्या लिखेंगे, हम एक किताब नहीं ढूंढ चुके होंगे, क्या इस जुमले को आपने नेगेटिव बना दिया, बिल्कुल नेगेटिव बना दिया। नेगेटिव बनाने के लिए क्या किया, सिंपल आपने शैल के बाद नॉट इस्तेमाल कर लिया। अगर विल का जुमला होता तो विल के बाद नॉट लगा देते। जुमला मुझे बताइए क्या नेगेटिव बन चुका है, बिल्कुल बन चुका है। अब हम क्या बनाएंगे, अब हम जुमले को बनाएंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव माने सवालिया, इसी जुमले को सवाल बना के पेश करेंगे। सवाल बनाने के लिए क्या करते हैं, यूज़ आपको इस्तेमाल करना है, विल या शैल। अगर जुमले में विल इस्तेमाल हुआ है तो विल, शैल हुआ है तो शैल। कहाँ पर इस्तेमाल करना है, बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले। सब्जेक्ट इस वक्त क्या इस्तेमाल हुआ है, वी, वी से पहले क्या ले आएंगे, शैल। शैल जब शुरू में आ जाएगा तो जुमला बन जाएगा सवालिया। तो जुमला क्या बन जाएगा, शैल वी हैव फाउंड अ बुक, आखिर में क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। शैल का एस बड़ा हो जाएगा, वी का डब्ल्यू छोटा हो जाएगा। शैल वी हैव फाउंड अ बुक, क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वरना मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं, क्योंकि सवालिया जुमलों के अंदर क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी होता है। ये जुमला कैसा हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, सवालिया हो गया। इसी जुमले का तर्जुमा करें, क्या हम एक किताब ढूंढ चुके होंगे, क्या हम एक किताब ढूंढ चुके होंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि ज़माना मुस्तकबिल की बात की जा रही है,
और ज़माने मुस्तकबिल में रहते हुए आप कह रहे हैं कि क्या हम एक किताब ढूंढ चुके होंगे, होंगे से पता चल रहा है फ्यूचर टेंस है, और चुके होंगे से पता चल रहा है कि फ्यूचर में रहते हुए परफेक्ट की बात की जा रही है। स्टूडेंट, ये सारे के सारे जुमलों में हमने क्या किया, इन सारे के सारे जुमलों में हमने आपको पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाना सिखाया। जुमले के अंदर याद रखिएगा, ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो शैल हैव का ही आप इस्तेमाल करें, आप विल हैव का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और विल हैव का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इन सब के साथ आपको विल हैव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अपनी पसंद का कोई सा भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए और उस सब्जेक्ट के साथ आपको क्या लगाना पड़ेगा, विल हैव। बाकी जुमला इंशाल्लाह पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव अभी हम बनाते हैं। कोई सा जुमला ले लेते हैं, फ़र्ज करें इस वक्त हम जो है दो नाम ले लेते हैं, क्योंकि कई क्लासेस से, कई लेक्चर से हमने मेरे ख्याल से कई दो नामों को लिया ही नहीं है। यह हो सकता है अभी तक जितने भी टेंसेस मैंने पढ़ा है किसी में भी ना लिया हो, तो फिलहाल हम दो नाम ले लेते हैं। कोई से भी दो नाम आप ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल सलमान ले लीजिए और आप नदीम ले लीजिए, कोई जो जिसका आपको नाम पसंद आए वो आप नाम ले लीजिए, अपना नाम ले लीजिए। सलमान एंड नदीम, ये क्या दो बंदे हो गए? दो बंदे हो गए, और दो बंदों का हम जुमला बनाने जा रहे हैं। सलमान एंड नदीम, ये क्या होगा? ये होगा वहाँ पर प्लूरल नेम्स हो गए, एक से ज़्यादा नाम है। जब एक से ज़्यादा नाम है तो सब्जेक्ट तो हम ले चुके हैं। विल हैव या शैल हैव में से क्या लगाएंगे? नेम्स है तो आपको विल हैव लगाना पड़ेगा। सलमान एंड नदीम विल हैव, शैल हैव नहीं लगेगा। सलमान एंड नदीम विल हैव, और विल हैव के बाद आप क्या करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। इस वक्त जो हम वर्ब यूज़ करने के लिए जा रहे हैं वो वर्ब है फ्लाई, FLY। फ्लाई का मतलब होता है उड़ना। फ्लू सेकंड फॉर्म हो जाएगी यानी कि उड़ा, और फ्लोन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। सलमान एंड नदीम विल हैव फ्लोन अ काइट। काइट का मतलब होता है पतंग। बताइए जुमला कैसा है? ये जुमला जो है वो एफर्मेटिव जुमला है, इकरारिया जुमला है। चेक कर लीजिए कि क्या ये इकरारिया जुमले के ऊपर पूरा उतर रहा है। सलमान एंड नदीम ये सब्जेक्ट हो गया। विल हैव और शैल हैव में से आपने विल हैव लगाया, क्योंकि जब दो नाम होते हैं तो विल हैव ही लगता है। वर्ब की आपने लगाई थर्ड फॉर्म, चेक कर लीजिए वर्ब की थर्ड फॉर्म है फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, ये थर्ड फॉर्म है। और फिर आखिर में ऑब्जेक्ट, क्या चीज़ वो उड़ा रहे हैं भाई? एक पतंग उड़ा रहे हैं। मुझे बताइए ये जुमला हो गया पॉजिटिव, इसका ज़रा तर्जुमा करिए। सलमान और नदीम एक पतंग उड़ा चुके होंगे। क्या मतलब? पतंग एक है, बंदे दो हैं, सलमान और नदीम एक पतंग उड़ा चुके होंगे। उड़ा चुके होंगे का क्या मतलब हुआ? ज़माना है मुस्तकबिल में, जो ज़माना अभी आया भी नहीं है, वो वक्त, वो टाइम जो अभी आया भी नहीं है, वो ज़माना जो अभी आया भी नहीं है, ज़माना है मुस्तकबिल की बात हो रही है कि ज़माना है मुस्तकबिल में ये दोनों अफराद एक पतंग उड़ा चुके होंगे। बताएं जुमला कैसा हो गया? एफर्मेटिव जुमला है, इनके इकरारिया। जुमले को आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे। कहाँ पर? विल या शैल के बाद। विल या शैल के बाद, तो यहाँ पे क्या विल इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, विल के फौरन बाद लगा दीजिए नॉट। नॉट जैसे ही लगाएंगे जुमला क्या बन जाएगा? एफर्मेटिव से हो जाएगा नेगेटिव। तो जुमला हम नेगेटिव बनाते हैं। सलमान एंड नदीम विल के बाद नॉट लगा देंगे। विल नॉट हैव फ्लोन अ काइट। जुमला कैसा बन गया? ये जुमला नेगेटिव हो गया। इस नेगेटिव जुमले के हवाले से आप बताइए, ये नेगेटिव कैसा बनाया आपने? सिर्फ और सिर्फ नॉट का इस्तेमाल किया, जुमला नेगेटिव हो गया। तर्जुमा करिए, सलमान और नदीम एक पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे। इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़माना है मुस्तकबिल की आप बात कर रहे हैं, आने वाले ज़माने की। किस बात से पता चल रहा है? होंगे से। और आप कह रहे हैं ज़माना है मुस्तकबिल में सलमान और नदीम एक पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे, तो जुमला आपके पास बन गया नेगेटिव, यानी कि आप इनकार कर रहे हैं। इसी जुमले को अगर हमें सवालिया बनाना हो, इंट्रोगेटिव बनाना हो, तो क्या करेंगे? यूज़ करेंगे यानी कि इस्तेमाल करेंगे विल को या शैल को। विल या शैल कहाँ इस्तेमाल हुआ है? ये
और ये हुआ आपकी मर्ज़ी। बेहतर है पॉजिटिव जुमले को डायरेक्ट इंट्रोगेटिव बनाया करें और पॉजिटिव जुमले को ही आप नेगेटिव बनाया करें। तो विल या शैल जो भी इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, लिखा हुआ भी है। यूज़ विल या शैल बिफोर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस वक्त क्या है, नदीम एंड सलमान, या सलमान एंड नदीम, ये दोनों सब्जेक्ट कहलाएंगे। इन दोनों से पहले आपको विल लेकर आना पड़ेगा। विल जब शुरू में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, विल का डब्लू आप बड़ा कर देंगे, विल सलमान एंड नदीम। देखिए जब विल जुमले के शुरू में चला गया डब्लू बड़ा करा, सलमान एंड नदीम एज इट इज़ हैं, चूँकि सलमान और नदीम दोनों के दोनों प्रॉपर नाउंस हैं लिहाजा आपने एस और इसका एन बड़ा रखा हुआ है, और विल शुरू में जा चुका है, हैव आ गया, फ्लोन अ काइट, मगर जुमला एज इट इज़ है, फ्लोन अ काइट। आखिर में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे इसलिए क्योंकि आप सवाल पूछ रहे हैं, और उर्दू में आप लिखेंगे जुमला बनाने से पहले इंट्रोगेटिव, यानी कि सवालिया जुमला है। अब हम इसी जुमले का सवालिया जुमला जो हमने बनाया है इंग्लिश में, इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। क्या सलमान और नदीम एक पतंग उड़ा चुके होंगे? ये क्या हो गया, सवालिया जुमला हो गया कि क्या सलमान और नदीम एक पतंग उड़ा चुके होंगे। स्टूडेंट्स बताइए इस जुमले के अंदर आपने क्या किया, इस जुमले के अंदर आपने जुमले को सवालिया बनाया। एक ख़ास बात यह है कि पहले भी आपको मुख्तलिफ वीडियोस के अंदर मैंने इन्फॉर्म किया है कि एक जुमला ऐसा होता है जिसको आप बोलते हैं ना तो वो पॉजिटिव है, ना वो नेगेटिव है, ना वो इंट्रोगेटिव है, बल्कि वो चौथी किस्म है जिसको आप बोलते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव का क्या मतलब हुआ कि उसके अंदर इनकारिया हिस्सा भी शामिल है और सवालिया हिस्सा भी शामिल है। मिसाल के तौर पर इसी जुमले की बात करें कि क्या सलमान और नदीम एक पतंग उड़ा चुके होंगे, यह है सवालिया जुमला। इसी को ज़रा बनाएं सवालिया इनकारिया, तो क्या बनेगा, क्या सलमान और नदीम एक पतंग नहीं उड़ा चुके होंगे। इसी तरीके से ऊपर वाला जुमला जो कि सवालिया था, क्या हम एक किताब ढूंढ चुके होंगे, इसको जब हम सवालिया इनकारिया बनाएंगे, ये तो खाली सवालिया है, सवालिया इनकारिया बनाएंगे तो क्या बनेगा, क्या हम एक किताब नहीं ढूंढ चुके होंगे। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि जय इंशाल्लाह ताला जब हम ये वीडियोस कंप्लीट कर लेंगे तो बहुत जल्द आप लोगों के लिए प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड भी, पास्ट टेंस से रिलेटेड भी, और अल्लाह ने चाहा तो फ्यूचर टेंस से रिलेटेड भी जो सवालिया इनकारिया जुमले हैं वो इंशाल्लाह ताला आपको बताएंगे, उसकी तफसीलात आपको बताएंगे। ये भी अल्लाह ने चाहा तो बताएंगे कि फॉर्मल तरीक़ाकार क्या है, इनफॉर्मल तरीक़ाकार क्या है। लिहाजा काइंडली हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारी इन वीडियोस को देखते रहिएगा ताकि आप हमारी उन वीडियोस से भी फ़ायदा इंशाल्लाह ताला उठा सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हमने आपको क्या बताया है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, फॉर्मूला क्या है, इसके अलावा जुमलों को नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, विल हैव किसके साथ लगेगा और शैल हैव किसके साथ लगेगा, जुमलों को हमने आपको ट्रांसलेशन के साथ बनाना सिखाया। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपने फ्रेंड्स में इसको ज़रूर शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट्स हमारे इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि आपको पता है टेंसेस का टॉपिक न सिर्फ 9th-10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंटर कॉमर्स, इंटर साइंस, इंटर आर्ट्स, ग्रेजुएशन लेवल, हद तो ये है मास्टर्स लेवल तक इस टॉपिक से आपकी जान नहीं छूटती। लिहाजा हमारी इन वीडियोस को लाजमी अपने सोशल सर्कल जो मीडिया है आपका उसके ज़रिए ज़रूर ज़रूर शेयर करवाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इससे फ़ायदा उठा सकें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सर अली अहमद के नाम से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ की अपडेट्स फ़ौरन और बरवक्त मिल सकें। अगली वीडियो लेक्चर तक के लिए अपने टीचर सर अली अहमद को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलामुअलैकुम।